गाइज वेलकम टू एडिपोरियम क्लासेज माई सेल्फ काकुन आज का सेशन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश इन अ स्मार्ट बेटर एंड अ फास्टर वे स्टे ट्यून टिल द एंड अगर आप ये बताना चाहते हैं कि वो भूखी नहीं है तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कैसे कहते हैं शी इज नॉट हंग्री लेकिन द स्मार्ट इंग्लिश सेज शी एंट हंग्री शी एंट हंग्री मुझे कॉफ़ी चाहिए सो so, हम इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं अक्सर आई वॉन्ट कॉफ़ी बट एज पर द स्मार्ट इंग्लिश आई वॉन्ट अ कॉफ़ी आई वॉन्ट अ टी आपको वहाँ पर क्या मिला वट हैव यू गॉट देयर दिस इज एज पर द ट्रेडिशनल इंग्लिश लेकिन द फास्ट वे इज़ वॉच अ गॉट देअर वॉच अ गॉड देर मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी आई एम गोइंग टू टॉक टू माई मदर ओ इट्स टू लॉन्ग लेट्स मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प आई म टॉक टू माई मदर आई म टॉक टू माई मदर वो फ्रांस में रहता था ही यूज टू लिव इन फ्रांस नाउ मेकिंग इट अगेन शॉर्ट एंड स्मार्ट वी कैन कॉल इट

This is the old fashioned way, but the new English says, let me check, let me check. Mooski train chhoot sakti thi, she could have missed the train. Again, so many words in this sentence, but if I make it short, then the smart English says she coulda missed the train, she coulda missed the train. मैं अपने भाई से बात करने जा रही हूँ आई एम गोइंग टू टॉक टू my ब्रदर नाउ अगेन इट्स टू बोरिंग टू लॉन्ग लेट्स मेक इट स्मार्ट एंड फास्ट आई एम talk to टॉक टू I'm ब्रदर आई एम my brother. टू ब्रदर too too मैं बहुत सारी चॉकलेट खाती हूँ आई ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट दिस इज द old english i eat a lot of chocolate but the new english says i eat a lot of chocolate i eat a lot of chocolate so this was all about the difference between the smart english and the traditional english i hope you liked this video if you have liked it do share it with all your loved ones to spread more knowledge stay tuned with the dipodium classes